बी इंडियन टीम फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका को लिटाया, सुलाया, धुलाया, रगड़ाया। भाई ये क्या कर दिया लड़कों, 100 तो करने देना था। बड़ी गलत बात है, ये मेहमान नवाजी का कोई तरीका नहीं है। ये तो इंडिया ने कमाल कर दिया। ये वाली इंडियन टीम जो पूरी साउथ अफ्रीका को 99 पे आउट कर सकती है, तो सोच ले आप अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। यकीन नहीं करेंगे, मैंने मैच देखा, मैं इंडिया की टीम देखी, तो मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक हो गया कि ये इंडिया की टीम मुझे लग नहीं रही। मुझे प्लेयर जो मैं सोच रहा था कि इंडिया की टीम है, मुझे नजर नहीं आया। फिर मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा था, उसने मुझे बताया कि भाई जान ये उनकी ए टीम नहीं, उनकी बी टीम है। इंडिया ने अपनी बी टीम खिला के सीरीज जीत गए है ना, हमें भी अपने। ये छोटा सा क्लिप देखा, भारत की जो बी टीम खेल रही है, ऑलमोस्ट बी टीम है, अगर उसमें एक क्रिकेटर, एक या दो क्रिकेटर ही हैं जो मैं उनको ए टीम में भी शामिल होना, मतलब वो उनकी जगह बनती है। हालांकि बाकी प्लेयर अच्छे हैं, बट अभी जो ए टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के लिए गई है। तो ये बी टीम ने साउथ अफ्रीका की भी फुल स्ट्रेंथ ही बोलूँगा मैं, फुल स्ट्रेंथ टीम है ये, उसको बिल्कुल मतलब 99 रन पे ऑल आउट कर दिया। कुलदीप यादव का शानदार स्पेल, साथ ही साथ आवेश खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला, बट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। अगर अगले साल है 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें यहाँ से कोई प्लेयर उठता है, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका बंदा कप्तानी करना चाहे, कोई भी बंदा, तो वो कर सकता है, ये वाले रिजल्ट ला सकता है। सुंदर ने शुरू किया और कुलदीप ने अख्ताम तक पहुंचाया। फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका, फुल रिजा हेंड्रिक्स भी है, क्लासन भी है, डीकॉक भी है, मकरम भी है, मिलर भी है, मिलर भी है, टिलर भी है, किलर भी है, जैनसन भी है। मतलब यू कैन से एवरीबॉडी वॉज देयर, बट देवर बैम्बूजल्ड, देवर क्रश, देवर हैमर्ड, देवर कॉर्नर, देवर डिस्ट्रॉय, देवर बीटन, ऑल हैंड्स अप। बॉलिंग ने तबाह बर्बाद करके रख दिया साउथ अफ्रीका की क्लासिकल बैटिंग लाइनअप, जो मशहूर जमाना बैटिंग करते हैं साउथ अफ्रीका वाले। ये वही टीम है जिसने 40 ओवरों में 250 किया 49, जिसने 50 ओवरों में 278 किया, और आज जिसको इंडिया ने उड़ा के रख दिया, जिसे कहते हैं हवा में उड़ा के रख दिया, और सिर्फ 99 रन जिसे कहा जाता है। ओ भाई इंडिया वालों, संजय तुसी तो लंबा पा छोड़िया, अमिताभ बच्चन साहब हो या हार्दिक पांड्या साहब हो, दोनों को आपने जबरदस्त गिफ्ट दिया, तो ये जनाब आपकी बैंक स्ट्रेंथ। रमीज राजा साहब, इसे कहते हैं बैंक स्ट्रेंथ। इमरान खान साहब, जब आप पैटर्न में, आप लोग कहेंगे जी आप पाकिस्तान, भाई लाना पड़ेगा, बार बार कहा इनके पास है स्ट्रेंथ इनके है। भाई आपने जरूरी है ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देखना है, आप इधर देख लेते पड़ोस में। मैं इतने अरसे से कह रहा था कि लुक एट योर नेबर्स, लेकिन नहीं भाई, हमने तो 3 में से 2 दफा हरा दिया यूएई में, हमने तो अब रिस्पेक्ट लेनी है। तो अश्विन ने आपको रिस्पेक्ट दे दी। ओ भाई मेरे, आज हमें न्यूजीलैंड ने जिस तरह हमें खोल के रख दिया, तो ये बी टीम है, इंडिया की बी टीम है। ठीक है सिराज जो है, लेकिन कितने T20 या वनडे में सिराज आ रहा है रेगुलरली। आप कुलदीप को देख लें, शहबाज को देख लें, सुंदर इंजरी से वापस आ रहा है उसको देख लें। और भाई ये क्या कर दिया लड़कों, कहा था आपसे कि टॉस विल बी वेरी वेरी क्रूशियल इन दिस मैच, और टॉस में गब्बर ने आज जो है ढब्बर कर दिया, जैसे धवन ने आज कमाल कर दिया। छोटे छोटे पैचेस में बॉल पे बॉल लाए ले, फिर चेंजेस, और यही तरीका होता है कि चेंज आफ्टर चेंज। 6,500 से ज्यादा दोस्त हैं और लाइक 1600 है, अकेला आपका भाई है, ये तो भाई कोई तरीका नहीं है। लाइक तो बराबर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए, ये तो बहुत फर्क डाला है आपने, व्हाट इज दिस। अच्छा जी बॉलिंग की बात करें, वॉशिंगटन सुंदर, 4 ओवर 15 रन 2 विकेटें, अति सुंदर।
सिराज की रेवोल्यूशन हुई है। जो लोग कहते हैं कुट खाता है, फलाना है, वेवर्ड है, ये है, वो है, मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए यार। जितना खेलेगा, अगर ये टेस्ट में कामयाब है तो वनडे में भी होगा, T20 में भी होगा। उसके पास एग्रेशन है, उसके पास एक दिमाग है, थोड़ा सा वेवर्ड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अवैश खान ने आज कमाल किया जी, 5 ओवर 1 मिनट 8 रन और विकेटों के खाने में अंडा रहा। और इसके बाद शहबाज अहमद थोड़ा मार खा गए, 7 ओवर 32 रन, लेकिन विकेटें वो भी सब पाकिस्तानियों ने देखा। आपने देखा मैच? जी बिल्कुल देखा मैच। कैसा लगा मैच? सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मैच देखा, मैं इंडिया की टीम देखी तो मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक हो गया कि ये इंडिया की टीम मुझे लग नहीं रही। मुझे प्लेयर जो मैं सोच रहा था कि इंडिया की टीम है, मुझे नजर नहीं आया। फिर मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा था, उसने मुझे बताया कि भाई जान ये उनकी ए टीम नहीं, उनकी बी टीम है। सर मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, आपने पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज की सीरीज देखी? देखी, बिल्कुल देखी सर। उसमें हमने वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ अपनी ए टीम को भेजा। आप इस चीज से होम ग्राउंड के ऊपर हमने अपनी ए टीम को भेजा, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे कि ये हम लोगों की टीम रिलाय 3 बंदों पे कर रही है, बाबर, शहीन और रिजवान। इन तीनों के अलावा हमारी टीम में है कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड के खिलाफ भी कभी अपनी बी टीम को खिलाएंगे। ये वो ए टीम को खिला के ना, वो एक समझ लें कि ताज अपने सर पे बरकरार रखने की कोशिश करते रहते। आपसे ये कि एग्रेसिव क्रिकेट आजकल चल रही है बड़ी जबरदस्त किस्म की, हमें कब अडॉप्ट करनी चाहिए एग्रेसिव क्रिकेट? सर आज का मैच देख के ना दिल में एक ही बात आई है कि इंडिया ना वर्ल्ड कप की तैयारियों पे है और पुरजोर तैयारियों पे है। हम लोगों को ना इस अग्रेसिव इनकी क्रिकेट से सीखना चाहिए कि हम लोगों को ना अपने उनके पास ओपनर्स देख लें यार, उनके पास कितने ओपनर्स हो गए, उन्होंने नए लड़के खिलाने शुरू कर दिए, वो भी ओपनर्स अच्छे निकल रहे हैं। तो हम लोगों को ना इस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए कि हमारे जो प्लेयर जो घर बिठाए हुए हैं ना हमने, उनको यही मौके हैं मैचेस में खिलाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में हम कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों को वर्ल्ड कप में अपने बेस्ट प्लेयर्स चाहिए जो हम लोग हम क्यों नहीं चांस दे रहे, सवाल ये मेन मेरा समझ नहीं आ रही, इसलिए नहीं दे रहे। मैंने आपको वही बताया ना कि हम लोग ना वो एक क्राउन आजकल आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर ना कि पाकिस्तान इस तरफ अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, इस तरफ अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो वो ना हमारे वो एक दिमाग में वो चीज़ फीड हो गई है कि हमने ना इस ताज को बरकरार रखना है। इसलिए हम ना छोटे लड़कों को या बी टीम को चांस इसलिए नहीं दे रहे कि अगर वो आगे हम मैच हार जाएंगे फिर वो थू थू वाला हिसाब हो जाएगा। इसलिए ना ए टीम को उन्होंने बहुत बनाया हुआ, पहाड़ों में चढ़ाया हुआ। आपको लगता है बाबर, शाहीन या रिजवान के बगैर पाकिस्तान मैच जीत सकती है? सर ये बहुत आपका एक क्वेश्चन है, मैं इस पे इस टाइम मैं आपको सही बताऊँ ना, जो मैं अपनी नज़रिए से बताऊँ, मेरे हिसाब से इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रिलाय इन 3 बंदों पर कर रही है। ये 3 बंदे अगर हमारी टीम में ना हो, मैं कहता हूँ कि शर्तिया बात है, मैच नहीं जीत सकते। मतलब ये तो मुझे भी लगता है, क्योंकि हम बाबर आजम जिसको कह सकते हैं बड़ा आउट क्लास प्लेयर, उसके बगैर हम क्या है। लेकिन दो दो टीमें उनके पास है, तीसरी टीम भी बन सकती है, जीत रहे हैं। सर यही तो चीज़ है ना, वो अफ्रीका के खिलाफ भी यही लड़के खेले, मतलब कि प्रॉपर उनको ग्रूम कर दिया कि फुल चांस, अपने लड़कों को चांस दे रहे हैं। उनको पता है कि यार ये मैचेस है ना, ये मैच अभी हम लोग वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, ये हमारे मैचेस हैं, इनमें हम हार भी जाएंगे ना अपने ऊपर थोड़ी बात आएगी, लेकिन हमारे लड़के ग्रूम होंगे। वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकियत देते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है कि छोटी टीम से आप हार जो बिस्ती भी बड़ी होती है, लेकिन वो दलेरी मानना पड़े या दलेरी दिखाइए, प्रॉपर टीम को उन्होंने खिलाया नहीं, लड़कों को नए लड़कों को खिलाया। सर जब वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, मेरे दिमाग में उस टाइम यही था कि पाकिस्तान अपनी बी टीम को लाएगा, छोटा जो लड़के घर बैठे हैं उनको बुलाएगा कि यार तुम लोग आके खेलो, तुम लोग ग्रूम हो। लेकिन मैंने जब देखा कि ए टीम ही खेल रही है ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग के वर्ल्ड कप के हम कितने करीब जा रहे हैं और हम अभी भी अपनी टीम को चांस नहीं दे रहे। हम लोग को उनको चांस देंगे, वो ग्रूम होंगे, उनको फील्ड का सेट होंगे, उनके हाथ सेट होगा तो वो खेल पाए। और होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था, किस तरीके से भारत की बी टीम ने तबाही मचा दी। हालांकि थोड़ा सा ऐसे मैच ना मज़ा नहीं आता यार, ऐसे मैच में क्या, मैं चाह रहा था कि टीम इंडिया की पहले बैटिंग करता। एक भी मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग नहीं की, पहले बैटिंग करती और अच्छा खासा टारगेट खड़ा करती, साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करती तो इंडिया का एक्चुअली में जो है 50 ओवर का नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है भारत में, उसका एक स्क्वाड की तैयारी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव उसमें जगह बनाएंगे, कुलदीप यादव डिजर्व भी करते हैं, भारत के पिचेस में स्पिन ट्रैक होते ही है, बॉलिंग कुलदीप यादव डिजर्व करते हैं। मुझे कुलदीप यादव चहल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ODI में भी अच्छे हैं, तो कुलदीप यादव प्लस अश्विन का कॉम्बिनेशन शायद चले। अब चहल भी रहेंगे जगह तो उनकी भी रहेगी, प्लस आप देखें वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छी बॉल करते हैं, उनकी बैटिंग अच्छी है, और शिखर धवन यहाँ से प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप खेलेंगे और डिजर्व भी करते हैं। अब भले इस सीरीज में उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, वो डिजर्व करते हैं, आ जाएगा बंदा फॉर्म में, एक तो बेचारा एक ही फॉर्मेट खेल रहा है तो उससे उसको ना निकालें।
नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, मैं चाहता हूँ कि शिखर धवन उस वर्ल्ड कप में रहें, बड़े प्लेयर रहे हैं, बहुत लंबे समय से सर्विस दे रहे हैं भारतीय टीम को। और यहाँ से अगर बॉलर आप देखें तो आवेश खान का ये वाला मैच तो अच्छा रहा, बट सिराज को मैं आवेश खान से ज़्यादा अच्छा बॉलर रेट करता हूँ। साथ ही साथ इस बॉलिंग लाइनअप में दीपक चहर बहुत अच्छे बॉलर हैं, और मतलब ये जो बी टीम है उसकी बात कर रहा हूँ। और अब देखें कि यहाँ से और प्लेयर तो मुझे लग नहीं रहा कि टॉप 15 जो टीम रहेगी इंडिया में वर्ल्ड कप होगा आएंगे। शिखर धवन प्लस कुलदीप यादव प्लस शायद श्रेयस अय्यर की जगह बने रहे वो, भले उनको मैच खेले ना मिले, तो आपको क्या लगता है? और पाकिस्तान के रिएक्शन की बात करें तो देखो यार भाई, पाकिस्तान के जो इतने भी यूट्यूबर हैं वो इसी तरीके का रिएक्शन देंगे, उनके लिए इंडिया का मैच एक है अर्निंग का सोर्स, और वो रिएक्शन देंगे और वही हम आपको दिखाएंगे, और हमारा भी वही है मेन रीज़न। तो आप समझ जाएं पाकिस्तान के मतलब हर मैच में इतना ज़्यादा ये एग्रेसिव होकर रिएक्शन नहीं देते जितना खुश होकर ये भारत के मैच में देते, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप यहाँ से। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।